अरे गंगा बिटिया, वो तो नसीब अच्छा था हमारा कि पक्की टिकट मिल गई, नहीं तो छोटे बच्चे के साथ बहुत परेशानी होती। और ये सामान भी ले आया मनु के लिए, दूध बिस्किट। काका सामान अंदर रख दीजिए और टिकट वापस कर दीजिए। क्यों बिटिया? जैतसर नहीं जा रहे। नहीं जा रहे मतलब? अब यहाँ क्या काम है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? मैंने तय कर लिया है कि मैं यहीं रहूंगी, यहाँ मैंगलोर में ही नौकरी करूंगी। पर तुम ही तो बोल रही थी कि पढ़ाई करने के बाद वहाँ जैतसर में डॉक्टर साहब के अस्पताल में काम करोगी, पर यह अचानक क्या हो गया? जो काम वहाँ करना था वही यहाँ करूंगी। शहर अच्छा है, मनु भी कितना खुश है यहाँ, अंग्रेजी स्कूल भी है पास में, मनु का भविष्य बन जाएगा। मनु बेटे चलो बाहर घूम के आते हैं। डॉक्टर साहब से कह तो दिया मैंने कि यही नौकरी मिल गई, अब जल्दी अपने लिए काम ढूंढना होगा मुझे। ये रखिए आप मेरा कार्ड, अगर आपको लगे है तो बताना मुझे, हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छे सैलरीज देते हैं नर्सेस को। कल सुबह हॉस्पिटल जाकर ही मिल लूंगी। बालाचंद्रन जी से मिलना है, कहाँ मिलेंगे वो? अब बैठिए मैं बुलाती हूँ। तो अच्छा है, यही नौकरी मिल जाए तो ठीक। जो भी है उनको बोलो बाद में आने के लिए, तो बिजी हूं मैं, डॉक्टर नटराजन का काम करना है। नमस्ते। अच्छा आप है, आइए। बोलो। तो आपने कहा था कि आपके हॉस्पिटल में एक नर्स की जरूरत है, इसी के लिए आई। अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी साथ लाइए। पर आपने का ना यहाँ जॉब नहीं करना, वापस विलेज जाना, वहां काम नहीं हुआ, इसलिए अगर आप यही। थोड़ा लेट हो गया, अभी अभी एक नर्स का इंटरव्यू हुआ, मेरे को लगता उसको जॉब मिल जाएगा। शायद एक और नर्स की जरूरत हो, आप एक बार पूछ कर देखिए, बहुत उपकार होगा आपका। ओके, आप बोलती तो मैं ट्राई करता, मैं एक बार पूछूंगा एडमिन हेड से।
एक बार इंटरव्यू ले लो, बाद में डिसाइड करना। लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं छीनना चाहती। तो एक और नर्स के लिए जगह है तभी। अरे यहाँ मेरिट बेसिस पे काम मिलता है। आप यहाँ रुकना, मैं अभी आया। मैंने तो यकीन ही ना आवे, हमारे जगदीश ने ब्याह के लिए हाँ कर दी। बस अब वो सुभद्रन जल्दी से आ जावे। जगदीश पाजी की शादी होगी, मैं तो खूब मस्ती करूंगा। अरे छोड़ छोड़, अभी से गांव भर में ढिंढोरा मत पीट दीजो, पहले सब पक्का हो जावे, दिन तारीख तय हो जावे तब बताना, समझा? ओके दादी सा, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने लिए नए कपड़े तो सिला सकता हूँ ना, और मुझे मोजड़ी भी लेनी है बिल्कुल वैसी जैसे जगदीश भाई सा लेंगे। अरे सजने धजने की इतनी उतावली है तने, तो जगदीश के साथ साथ तारा ब्याह भी करा दे। वो है ना एक छोरी हमारी नजर में नंदु के शोर के लिए। नहीं नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करनी। अरे नंदु, बहुत अच्छा हुआ सर ने उस लड़की का सिलेक्शन नहीं किया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक बार मिल लो तब जाके रेडी हो। मेरी वजह से उस लड़की की नौकरी तो मैंने बोला ना, डोंट वरी, जो बेस्ट होगा इस काम के लिए उसका सिलेक्शन होगा। और आपने कहा ना कि कई सब करके आपको ये जॉब चाहिए, आपके लिए अपने बच्चे के लिए उसका सोचो और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दो। यू आर गुड, वेरी गुड। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अब भी सिलेक्ट कर लेता। मुंबई में महिला पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप ने एक बार फिर देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए हैं। इस पूरे केस में अब तक क्या कुछ हुआ है, हम आपको वो बताते हैं। मुंबई में पिछले दिनों उस लड़की के साथ जो हुआ, उसी पर एक रिपोर्ट देख रही थी। दुख से ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे शिव, इस तरह उस लड़की के साथी के साथ मारपीट करके उन लोगों ने, क्या होता जा रहा है हमारे समाज को शिव? हम आगे बढ़ रहे हैं या सारी सभ्यता भूलकर हैवानियत पर उतर गए? बलात्कार की ये दिल दहला देने वाली घटनाएं सिर्फ मुंबई में ही नहीं, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, हर जगह हो रही है। आई नो आनंदी, मर्दों का व्यवहार अब जानवरों से भी बदतर हो गया, और रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स में उसमें तो लड़की अकेली भी नहीं थी, कोई था उसके साथ। इसका तो ये मतलब होगा कि अब लड़की किसी के साथ भी सेफ नहीं है, और ये सब देखते हुए हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है। औरतों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लोकेशंस पर पोस्टर्स लगाए, जिससे औरतों को पता चले कि जब वो घर से बाहर निकले तो साथ में पेपर स्प्रे या उसके जैसी कुछ चीजें लेकर निकले। मगर शिव, ऐसी नौबत भी तो नहीं आनी चाहिए ना कि लड़कियों और औरतों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाए। बहुत अफसोस की बात है कि अब औरतों को अपनी रक्षा के लिए हथियार की जरूरत पड़ने लगी है। पहले औरतों के मान सम्मान की रक्षा की उम्मीद मर्दों से की जाती थी, लेकिन अब तो रक्षा की भक्षक बन गए। सही कह रही हैं आप, जिस तरह जगदीश ने साक्षी को उस भयानक हादसे से बचाया, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। तो अच्छा हुआ कि जगदीश को सही वक्त पर शक हो गया, तो पता नहीं साक्षी के साथ आज क्या होता। हाँ शिव, साक्षी की किस्मत से जगिया वहां था, लेकिन हर लड़की की किस्मत उसका साथ नहीं देती, और ऐसे में वो अकेली पड़ जाती है, मजबूर हो जाती है। आप सही कह रहे हैं शिव, औरतों के साथ होने वाले अन्याय के प्रति उन्हें जागरूक करना ही होगा, उन्हें इस लायक बनाना होगा कि वो अपनी रक्षा के लिए अपने पिता, पति, भाई या साथी पर निर्भर ना होकर खुद ही जरूरी कदम उठा सके। लेकिन शिव, उसके लिए सिर्फ पोस्टर्स लगाने से काम नहीं होगा, हमें कुछ और करना होगा। बहुत सह लिया, अब और नहीं,
अब औरतों को अपने सम्मान के लिए खुद को मजबूत करना ही होगा।